हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ऑथर डैनियल गोलमन अपने बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में कहते हैं कि हमारे दो माइंड्स हैं, एक वो जो सोचता है और दूसरा वो जो फील करता है। और ज़्यादातर टाइम हमारा इमोशनल ब्रेन ही एक्टिवेट रहता है, इसीलिए हम कब कौन से इमोशन में बह जाए इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन वो इमोशन कितनी देर तक रहेगी ये हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सबसे डोमिनेंट इमोशन है, जैसे एंगर, वरी और सैडनेस, को कैसे कंट्रोल करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो सबसे डोमिनेंट इमोशन है वो है एंगर। देखिए, गुस्से की शुरुआत तभी होती है जब हमें किसी तरह का खतरा महसूस होता है, जैसे अगर कोई हमें फिजिकली हार्म करता है, या फिर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, या फिर हमसे रूडली बात करता है, तब हम गुस्सा करते हैं। कभी कभी तो हम खुद पर ही गुस्सा होते हैं क्योंकि हमने कोई इम्पोर्टेंट गोल मिस किया हुआ रहता है। और इसके बाद जितनी बार हम गुस्सा दिलाने वाले थॉट्स को रिपीट करेंगे, उतने ज़्यादा हमें बहाने मिलते जाएंगे गुस्सा रहने के। और ये गुस्सा कभी अकेले नहीं आता, वो अपने साथ नेगेटिव इमोशंस को लेके आता है। यूजुअली क्या होता है, बाकी सारे इमोशंस में हमारी एनर्जी डाउन रहती है, लेकिन गुस्सा हमें एनर्जाइज करता है। और ये इसलिए क्योंकि दिमाग में काफ़ी सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें एक्शन लेने के लिए उकसाते हैं, इसलिए कभी कभार गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। ऐसे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है डिस्ट्रैक्शन। देखिए, डिस्ट्रैक्शन एक मूड अल्टरिंग डिवाइस है, वो इसलिए क्योंकि उसकी वजह से गुस्सा दिलाने वाले थॉट्स की साइकिल टूट जाती है। ऑथर कहते हैं कि जब वो 13 साल के थे तब वो गुस्से से घर छोड़कर निकल गए थे, लेकिन जैसे जैसे वो रास्ते पर चलते गए, वहाँ के शांत और सुंदर माहौल ने उनके गुस्से को शांत किया और वो फिर से घर वापस लौटे। वो कहते हैं कि आज भी जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो लॉन्ग वॉक के लिए निकल जाते हैं। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप भी लॉन्ग वॉक पे जा सकते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई किताब पढ़ सकते हो, कोई फनी मूवी देख सकते हो। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो। इससे होगा ये कि थोड़े टाइम के लिए आपको दूसरा टॉपिक मिलेगा सोचने के लिए, और अच्छे माहौल में ज़्यादा देर तक कोई गुस्सा नहीं रह सकता, है ना। दूसरा तरीका है चैलेंज थॉट्स ऑफ एंगर। गुस्से में जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं उन्हें पेपर पर लिखो। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि एंगर इज नेवर विदाउट अ रीज़न बट सेल्डम अ गुड वन। इसका मतलब ये है कि हम गुस्सा तो काफ़ी बार होते हैं और उसके लिए कारण भी बताते हैं, लेकिन वो बताया हुआ कारण कभी कभार ही सही होता है। अगर ऐसा है तो जब आप उस कारण को पेपर पर लिखोगे तो उस गुस्से के पीछे की फुलिशनेस एक्सपोज हो जाएगी और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे कि एग्जैक्टली मैं किस वजह से गुस्सा हूँ। तीसरा तरीका है रिफ्रेम सिचुएशन पॉजिटिवली। सिचुएशन को रिफ्रेम करना यानी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदलना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको धक्का देकर आगे बढ़ता है तो उसे गालियाँ देने के बजाय आप ये सोच सकते हो कि मे बी उसे कोई इमरजेंसी रहेगी जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। इस तरीके से कुछ पॉजिटिव सोच के आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हो। दूसरी डोमिनेंट इमोशन है वरी, यानी चिंता। चिंता करना यानी मेंटली रिहर्स करना कि क्या गलत हो सकता है और उसके साथ कैसे डील करें। चिंता का काम होता है कि खतरे की पहले से ही जानकारी देना ताकि हम कुछ पॉजिटिव एक्शन ले सकें। इसलिए चिंता करना बुरी बात नहीं है। डिफ़िकल्टी तब आती है जब वो थॉट्स रिपीटेटिव बनते हैं और फिर चिंता फोबियाज, पैनिक अटैक जैसे डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए उन थॉट्स को शुरुआत में ही नोटिस करना ज़रूरी है, और इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है यूज़ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि अपने अंदर की दुनिया के बारे में पता होना। अगर आप अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स के बारे में अवेयर हो तो कोई भी इमोशन आप पर हावी नहीं हो सकती, और आप इजीली वरीसम थॉट्स को भी ट्रैप कर पाएंगे। यहाँ तक कि आपके बॉडी में जो सेंसेशंस होती है, जैसे स्पीडी हार्ट बीट, शेकिंग, स्वेटिंग, ये भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसलिए चिंता ख़त्म करनी है तो अपने अंदर की दुनिया से फ्रेंडशिप कर लो। दूसरा तरीका है क्वेश्चन योर अजम्पशंस। देखिए, हम सभी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए काफ़ी वरीड रहते हैं। जैसे अगर कोई फैमिली मेम्बर प्लेन से कहीं जा रहा है तो हम बार बार सोचने लगते हैं कि अगर उसका प्लेन क्रैश हो गया तो, या फिर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो,
लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब हमारे अजम्पशंस है। रियलिटी में ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। बस यही बात समझकर हमें खुद से क्वेश्चनिंग करनी है। ऐसा करके आप रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे और आपकी चिंता भी मिट जाएगी। तीसरी डोमिनेंट इमोशन है सैडनेस। जब हमारा कोई लॉस होता है तब हम सैड होते हैं। सैडनेस की वजह से हमें सब कुछ टेस्टलेस लगने लगता है। काम में इंटरेस्ट खो जाना, फोकस ना कर पाना, कन्फ्यूजन में रहना, नींद ना आना, ये सब सैडनेस के इफ़ेक्ट्स हैं। टाइम बीइंग सैड होना ठीक है, लेकिन अगर लंबे समय तक यही चलता रहा तो सैडनेस डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जितना हम अपने लॉस के बारे में सोचेंगे उतना सैडनेस इंटेंस होता जाएगा। तो उसे ख़त्म करने के लिए पहला तरीका है सोशलाइजिंग। यूजुअली लोग जब दुखी होते हैं तब अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करके वो सैडनेस को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इसलिए जब भी सैड फील करने लगो तब अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर के साथ कहीं बाहर जाओ। इससे आपका माहौल भी चेंज हो जाएगा और जब आप अपने गम को बांटेंगे तो नए सॉल्यूशंस भी निकल करके आ सकते हैं। दूसरा तरीका है क्राइंग। ये एक गॉड गिफ्टेड तरीका है। हमारे दिमाग में जो केमिकल्स नेगेटिव इमोशन क्रिएट करते हैं उनके लेवल को कम करने के लिए। रोने से मन हल्का होता है। अगर आप किसी छोटे से बात के लिए दुखी है तो रोना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तीसरा तरीका है एक्टिव एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी की सैड मूड की वजह से जो भी कंडीशन होती है वो सुधर जाती है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुँचता है और बॉडी एक्टिव होने की वजह से मूड भी ठीक हो जाता है। चौथा तरीका है टैकल पेंडिंग टास्क। जब भी आप सैड फील करने लगते हो तब जो काम आप काफ़ी दिनों से टालते आ रहे हो उसे करना शुरू करो। इससे दो फायदे होंगे, एक तो वो पेंडिंग टास्क कंप्लीट होगा तो आपको खुशी मिलेगी और आपका ध्यान भी भटक जाएगा। पांचवा तरीका है डाउनवर्ड कंपैरिजन। यूजुअली कहा तो जाता है कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, लेकिन जब आप दुखी होते हो तब ये डाउनवर्ड कंपैरिजन आपको ज़रूर हेल्प करेगी। जैसे अगर आप अपने ब्रेकअप को लेकर दुखी हो तो आप खुद को अपने किसी ऐसे फ्रेंड के साथ कंपेयर करो जिसके 3-4 ब्रेकअप हो चुके हैं। इससे आपको लगने लगेगा कि आप उससे बेटर कंडीशन में है तो आपका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। छठवां तरीका है हेल्पिंग ऑदर्स। जब भी हम दुखी होते हैं तब हम सिर्फ खुद के और खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं। ऐसे टाइम पे जब आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को देखोगे, उनके गम को बांटोगे तो आपको अपने प्रॉब्लम छोटे लगने लगेंगे। इसीलिए अगर आपको पॉसिबल है तो कुछ वॉलंटियर वर्क ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।